हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर लगातार आप लोग की ओ लेवल की अभी तक प्रैक्टिकल की तैयारी कराई जा रही थी, लेकिन आज संडे है, संडे स्पेशल क्लास में आप लोगों को कुछ ना कुछ ओ लेवल गुरुजी चैनल पर नया मिलता है। और आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, जैसे कि आप लोगों का प्रैक्टिकल के बाद वायवा होने वाला है, तो उस वायवा में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे वायवा में आपसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये M3R5 वायवा क्लास नंबर 1 है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अभी आपको वायवा की एक नहीं और भी ज्यादा क्लासे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के 100 में से 100 नंबर अगर आपको लाना है तो 80 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्लस 20 नंबर का वायवा, 100 out of 100 की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए लगातार कराई जा रही है, ठीक है। प्रैक्टिकल की हमने आपको बहुत सारी क्लासे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन अभी हमने सोचा कि आज संडे है, संडे में हम आप लोग के लिए वायवा के क्वेश्चंस लेके आए। तो जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, तो उनको एक छोटा सा काम करना है, उनको बस सिर्फ और सिर्फ कहां पे आना है, यूट्यूब पर आना है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, ठीक है, अभी तो आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप हमारे चैनल पर आइए। चैनल हमारा ओ लेवल गुरुजी है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे मैंने यूट्यूब पर सर्च किया है। सर्च करने के बाद जो लोग भी चैनल पर नया है वो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करने के बाद उन लोगों को करना क्या है, ओ लेवल गुरुजी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं की हुई है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये रही आपकी प्लेलिस्ट। अगर आपको आप लोगों ने अभी तक पाइथन प्रैक्टिकल जो कि लिखा हुआ है, पाइथन M3R5 प्रैक्टिकल क्लासेस, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं की है तो यहाँ पे 29 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे क्या होगा, आपके सामने हमारी प्लेलिस्ट सारी ओपन हो जाएगी। और ये प्लेलिस्ट हमारी बिल्कुल पहले दिन से लेकर 29 डेज तक की है, मतलब सीक्वेंस में कम्प्लीट आपके डे वाइज यहाँ पे पूरी जो भी हमारी क्लासेस है सारी डे वाइज है, कोई भी क्लास आपकी यहाँ की वहां नहीं है, सारी क्लासे आपको यहाँ से लाइन से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पाइथन की प्रैक्टिकल क्लासेस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों को इस तरह से देखना है। इसके अलावा आपको IoT की तैयारी करनी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो आपको क्या करना है, बैक करना है। यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अगर IoT की अगर आपने तैयारी नहीं की है तो यह है IoT M4R5 प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक अपडेट कर देना चाहता हूँ कि अभी 9 बजे आप लोग को IoT की एक और क्लास मिलने वाली है, ठीक है। 8 बजे जैसे कि आप लोग को अभी ये वाली क्लास मिली है आप लोग की वायवा की, 9 बजे आप लोग को IoT की प्रैक्टिकल क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल से याद रखिए कि आपको इस क्लास के बाद सीधे IoT की क्लास आपकी अपलोड होने वाली है, तो बिल्कुल भी आप लोग को डिले नहीं करना, सारी क्लासेस को बहुत आसानी से आप लोग को देख लेना है, ठीक है। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि ओ लेवल गुरुजी चैनल पर सारा कंटेंट आपको वही मिलेगा जो आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप देखना चाहे सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग M1 की तैयारी करना चाहते हैं, M2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये देख लीजिए आप लोग। ओ लेवल M1R5 प्रैक्टिकल क्लासेस, M2R5 प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, अभी बस क्लासेस कम अपलोड हुई है, लगातार होती जा रही है। जैसे जैसे आप लोगों का जैसे अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसे कि अगर आप लोगों को, क्योंकि क्या है, M1 M2 की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन M3 M4 की क्लासेस अभी हमारी नई है, इस वजह से आपको नहीं मिल पाएंगी। इस वजह से अगर आप लोगों को M1 M2 की क्लासेस देखना है, ओ लेवल M2 प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओ लेवल M1 R5 प्रैक्टिकल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, सब कुछ आप लोगों को ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। चलिए अभी हम देर ना करते हो, चलते आज की क्लास की तरह। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की हमारी क्लास किस तरह की है, ओ लेवल M3R5 वायवा टॉप 30, एक्चुअली क्या है टॉप 50 नहीं, टॉप 30 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट की भारी डिमांड पर आई है और जो वाली क्लास हमारे लिए, तो देख लेते हैं हम लोग किस तरह से आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 20 नंबर का वायवा आपका होने वाला है, तो 20 में से 20 अगर लाना है तो ये क्लास आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको एक काम करूंगा, मैं ये वायवा के क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आंसर के साथ आपको वायवा के क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे, लिंक आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते अभी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हु डेवलप्ड पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए वायवा में ज्यादा टाइम आपको मिलना नहीं है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपसे पूछेंगे हु डेवलप्ड पाइथन लैंग्वेज, तो पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है, तो आपको आंसर क्या देना है, ग्यूडो वैन रॉसम। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ग्यूडो वैन रॉसम। एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन के आंसर का, आंसर को मैं लिख देता हूँ या ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपको, ग्यूडो वैन
रॉसम, ठीक है, किसने डेवलप किया, तो ग्यूडो वैन रॉसम ने डेवलप किया है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन आपकी किस तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो देखिए पाइथन आपकी तीन तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। पहला तो आपका क्या सपोर्ट करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपसे पूछा जाएगा तो आपसे क्या बताना, सबसे पहले आपको बताना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसके बाद आपको बताना स्ट्रक्चर्ड को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एंड फिर आपको बताना है फंक्शनल, ठीक है, फंक्शन या फंक्शन प्रोग्रामिंग। तो ये हमारी तीन तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग। ओके, नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, इस पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। क्या पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है आइडेंटिफायर को जो हम लोग डील करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है यस। नेक्स्ट, इस पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, तो आंसर क्या आएगा, बोथ। पाइथन क्या है आपका, कंपाइल्ड भी है तो इंटरप्रेटेड भी है, तो आंसर आएगा आपका बोथ, बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है, बोथ कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट हमारा कैन वी टेक कीवर्ड एज अ वेरिएबल, क्या हम लोग कीवर्ड को एज अ वेरिएबल ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ले सकते, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज, कौन पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है? तो आपको पता होगा पाइथन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, इंडेंटेशन की। तो कौन डिफाइन करता है हमारा, इंडेंटेशन डिफाइन करता है। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, डेफ इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर ये कलर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो एक कलर मैं आपको ग्रीन कर देता हूं, तो शायद ग्रीन भी नहीं ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, आप ब्लू कलर ले लेते हैं क्योंकि ये वाला बहुत लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, आप ब्लू कलर लेके इसको ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लू कलर हो गया है, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन, किसके द्वारा करते हैं हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स? आपको पता है हैश सिंबल के द्वारा हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। तो आंसर आएगा इसमें आपका हैश, बिल्कुल सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ऑर्डर प्रेसिडेंस इन पाइथन, ठीक है। ऑर्डर प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं, ये मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम लोग ऑर्डर यूज होता है। तो पहला क्या होता है आपका, पैरेंथेसिस, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है और आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो पैरा हमारा होता है यहाँ पे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद दूसरा क्या होता है, एरो लगाता जा रहा हूं मैं, दूसरा हमारा होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ईएक्सपी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लगाएंगे हम यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के बाद, यहाँ पे स्पेलिंग के पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट होता है वो हमारा होता है डिवीजन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवीजन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है एडिशन, तो यहाँ आएगा आपका एडिशन। तो इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, कहीं पे आपको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा ऑर्डर कहलाता है। और ये होगा आपका सब्ट्रैक्शन, तो ये रहा आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि उसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है, पीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, याद रखिएगा प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। तो ये रहा आपका प्रेफर्ड, फिर आएगा आपका इंस्टॉलर, और फिर आएगा आपका प्रोग्राम, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, वेरिएबल को हम लोग किस चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? तो आपको पता है वेरिएबल कभी भी किससे स्टार्ट नहीं होता है, डिजिट से। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले वहां पे आके कि जो आपका वेरिएबल है किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो किससे स्टार्ट नहीं होता, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। बाकी अंडरस्कोर से हो सकता है, स्मॉल लेटर से हो सकता है, सबसे हो सकता है, बस डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवेन है, जो कि क्या लिखा हुआ है, राइट एनी मैथमेटिकल प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। कोई भी बोला है उन्होंने, कोई भी एक लिख के दिखाना है, तो हमने सबसे सिंपल लिख के बता दिया, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया एसक्यूआरटी, ठीक है, पीओडब्ल्यू लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आप लोग को याद आए उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, वन अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विथ स्ट्रिंग, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा यूज नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन हमारा यूज नहीं होता है, प्लस तो आपको पता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट, कैसे हम लोग एम्प्टी सेट को क्रिएट करते हैं? तो आपको पता है सेट जो हमने क्लास में पढ़ाया, तो सेट के द्वारा हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एड अ न्यू लाइन
टू आर लिस्ट वी कैन यूज टू एड अ न्यू एलिमेंट सॉरी न्यू एलिमेंट टू आर लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड. ठीक है, एक्चुअली किस पाइथन कमांड का यूज करते हैं, तो कमांड को हम लोग बोले अपेंड के द्वारा हम ये काम करते हैं. तो यहाँ पर हम आंसर क्या लगाएंगे, अपेंड मेथड होता है हमारा, उसके द्वारा हम ये करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे अपेंड मेथड होता है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एल्गोरिथम. ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है पूछा जा रहा है. तो सिंपल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह से बताना है बाबा में. फिर पूछ रहा है हमसे राइट एन एल्गोरिथम टू स्वाइप टू नंबर. ठीक है, और दूसरा भी है राइट एन एल्गोरिथम टू स्वाइप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. मतलब पहले में हमें क्या करना है, थर्ड वेरिएबल का यूज करना है, दूसरे में हमें यूज नहीं करना है. तो सबसे पहले एल्गो हमें इसकी लिखना है. तो आपको मैंने ऑलरेडी एल्गो वाला जब आपको मैंने बाय उसकी प्रैक्टिकल की तैयारी कराई थी तो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था. लेकिन अगर बाय में पूछ दिया जाए तो आपको किस तरह से आंसर देना है, आपको सिंपल से लिखना है सबसे पहले स्टार्ट. ठीक है, फिर आप क्या बताओगे. अब देखिए मैं अभी यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ स्टेप वन स्टेप टू. अगर आप लोग क्योंकि बायबा है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे दो नंबर को रीड करेंगे. तो रीड करने के लिए हमने ए और बी ले लिया है. ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसमें हमने मान लिया टेम्प इक्वल टू ए. ठीक है, फिर ए इक्वल टू बी और फिर बी इक्वल टू ए. ठीक है, और ये आपका क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चलिए मैं कैपिटल ही ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आ रहा है. ठीक है, तो और दूसरी बात क्या, अगर आपको ये वाली क्लास देखनी है तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस जहां पर हमने चैप्टर वाइज तैयारी की उसकी दूसरी या तीसरी क्लास में हमने पहली या दूसरी क्लास में हमने यहाँ पे एल्गोरिथम के बारे में बताया. तो आप ये एल्गोरिथम वहां से पढ़ सकते हो. जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही है. सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट किया, रीड किया, रीड टेम्प इक्वल टू ए. ठीक है, टेम्प इक्वल टू यहाँ पे क्या किया, ए किया, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए. ठीक है, टेम्प इक्वल टू ए, ये तो लॉजिक होता है. टेम्प इक्वल टू आपका ए, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए. तो यहाँ सॉरी बी इक्वल टू ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बी इक्वल टू टेम्प. ठीक है, बी इक्वल टू टेम्प. ओके, तो बी इक्वल टू क्या कर देंगे हम यहाँ पे टेम्प कर देंगे. तो बस ये हमारा स्वैप हो जाएगा. और लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे. प्रिंट करेंगे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, प्रिंट हम किसको करेंगे, ए और बी को प्रिंट करेंगे. और एट लास्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे. ऑलरेडी मैंने एल्गो ए वाली आपको बहुत डिटेल में समझाई थी, नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था. जैसे मैंने 10 लिया ए की वैल्यू और 20 ली बी की वैल्यू, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपकी टेम्प इक्वल टू ए, मतलब ये आपकी 10 हो जाएगी. फिर ए इक्वल टू बी, तो मतलब ए के अंदर बी को रख दिया तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20 हो गई. फिर बी इक्वल टू 10, तो बी के अंदर कितना है आपका यहाँ पे इक्वल टू 10, 10 के अंदर कितना है 10. तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू देखिए 20 हो गई है, बी की वैल्यू आपकी 10 हो गई है और यहाँ पे प्रिंट हो गई है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. अब लेकिन दूसरी वाली जो एल्गोरिथम है, यहाँ हमने जो थर्ड वेरिएबल यूज किया था वो हमने क्या यूज किया है, टेम्प यूज किया है. यहाँ पे दूसरा है जो आपका राइट एन एल्गोरिथम टू स्वाइप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब हम टेम्प का यूज ही नहीं करेंगे. तो इस कंडीशन में किस तरह से एल्गो करनी है, देखिए सब कुछ सेम रहेगा. सबसे पहले स्टार्ट करना है. ठीक है, स्टार्ट करने के बाद, अच्छा अगर ये आपको कलर चेंज करना हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ. ठीक है, लास्ट में हमने स्टॉप भी यहाँ पे कर रखा है. और ये वाली एल्गो वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, किसी को भी डाउट वगैरह आ रहा हो. इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है. तो हमने स्टार्ट किया, अब हम यहाँ पे टेम्प नहीं लेंगे, हम सीधा यहाँ पे रीड करेंगे. ए और बी को हमने ऐसे यहाँ पे रीड किया. ठीक है, रीड करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, लॉजिक रहेगा हमारा. और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी. फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपका a था, a इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी. ठीक है, कुछ नहीं है, लॉजिक आपका वहीं के वहीं बनाया गया है. तो ये हम जब हम इसको करेंगे तो इसके द्वारा आपके स्वैप हो जाएगा. और हमने यहाँ पे किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया हुआ है. बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मैंने आपको पहले बोल दिया, आप क्लास देख लीजिए. फिर भी अगर आपको अभी समझना है तो मैं फिर भी समझा देता हूँ. जैसे कि आपको पता है ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू मैंने कहा 20 है, इसके अकॉर्डिंग आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगी. ए प्लस बी से कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी. जब हम फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 30 है और बी की वैल्यू कितनी है 20 है. तो यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगी आपकी यहाँ पे बी की वैल्यू. ठीक है, और यहाँ पे ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पर 30 है, बी की वैल्यू कितनी है 10, 30 माइनस 10 20. तो आप यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 10 हो गई, ए की 20 हो गई. ये देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पहले 10 थी जबकि ए की वैल्यू कितनी हो 20. तो ये क्या है, लॉजिक्स होते हैं. तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है बायबा के हिसाब से, क्योंकि बायबा में ऐसे लॉजिक्स वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जबकि है इजी, लेकिन आप लोगों को भूलना नहीं, ए इक्वल टू ए प्लस बी, एक बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए इक्वल टू ए माइनस बी. ठीक है, सिंपल सा आ जाता, कुछ हार्ड नहीं है. तो ये क्वेश्चन हमारे बायबा में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टोकन, टोकन क्या होते हैं. तो टोकन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट. ठीक है, प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, टोकन कहलाते हैं. तो हमने लिखा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विद इन अ प्रोग्राम
इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। फिर है हाउ वी कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में हम लोग स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आपको पता है सिंगल से भी कर सकते हैं, डबल से भी कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी डिक्लेयर इन सिंगल कोट्स, ठीक है, लिख सकते हैं इट कैन बी डिक्लेयर इन सिंगल कोट्स लिख सकते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल। तो हम सीधा लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर सीधा लिख दे रहा हूं सिंगल कोट कॉमा डबल और ट्रिपल, ठीक है। किसी भी कोट्स में हम लोग यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट इनपुट स्टेटमेंट टेक इनपुट एज अ, ठीक है। जो इनपुट स्टेटमेंट होता है बाय डिफॉल्ट इनपुट किस फॉर्म में लेता है हमारा, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉर्म होता है कौन सा कहलाता है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वही हमसे पूछ लिया गया है कि हाउ टू, यहाँ पे लिखा हाउ टू कन्वर्ट डिफॉल्ट स्ट्रिंग इंटू इंट और फ्लोट। कैसे आप इसको डिफॉल्ट स्ट्रिंग को इंट और फ्लोट में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पर मेथड होते हैं जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इंट इनपुट उस तरह से यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वाई यूजिंग किसके द्वारा, इंट और फ्लोट मेथड, ठीक है। सिंपल सिंपल से बाय बाय में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। देखिए पाइथन में कितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं हमारे, टू टाइप्स के। पहला होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो आंसर आएगा आपका टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट का हमें सिंटेक्स लिखना है, तो क्या होता है, सिंपल सा सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन और इफ एल्स का, इसलिए क्या लिखेंगे इफ, और ये होता है इंडेंटेशन, ठीक है। आप लोगों एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सर इंडेंटेशन क्या होता है, तो ये देखिए जैसे हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाते हैं, तो देखिए ये तो आपका क्या है, ये आपका एमएस वर्ड है, तो ये नीचे जाएगा, लेकिन इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पाइथन होता है वो क्या कर देगा, हमें टैब का स्पेस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेटमेंट, तो मैं भी उसी तरह से लिख रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, कॉलन लगाएंगे, और ये एल्स आपका स्मॉल रहेगा और इफ भी आपका स्मॉल रहेगा, वर्ड के अकॉर्डिंग ये कैपिटल हो गया, इस वजह से इस पर आपको ध्यान मत देगी, लेकिन नॉर्मली आपका क्या आएगा, ये आपका स्मॉल आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इफ और इफ एल्स का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और, ठीक है। लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और का हमें क्या करना है, सिंटेक्स को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशन के नाम से भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन, तो भी आपको करना है, ठीक है। तो यहां पर हम कर देते हैं बाय यूजिंग और, ठीक है। सबसे पहले हम और के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि पहले और से हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले और ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों कंडीशन आपकी, जब सारी कंडीशन क्या होती है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू मतलब ट्रू देता है ये वाला ऑपरेटर, और कोई भी जब सारी कंडीशन फॉल्स हो तब फॉल्स देता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिंटेक्स देना है। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि और आपको कब ट्रू देता है, तो जब कोई भी एक कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, तो और ऑपरेटर आपका ट्रू देता है, अदरवाइज आपका फॉल्स देता है। तो यहाँ पर बात करें हम, सबसे पहले जब यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है राइट द सिंटेक्स ऑफ लॉजिकल एंड का लिख लेते, पहले हमने हेडिंग ऑल और की लिखी, तो चलिए और लिख लेते हैं इफ, फिर हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कर लीजिए क्योंकि ये एमएस वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इफ किया, इफ करने के बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह से आंसर सहित आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डॉक्यूमेंट सहित आपको भेज दूंगा मैं, ओके। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इफ लगाया है, कंडीशन लगाई है इफ कंडीशन, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे और ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन रहेंगे इसलिए क्या करेंगे कंडीशन वन, फिर ऐसे हम क्या लिखेंगे कंडीशन टू, फिर ऐसे हम फिर से और लिखेंगे कंडीशन थ्री। तो ऐसे हमने इसका एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं, आप लोग हमारे प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन थ्री इसमें जैसे बॉबल और कॉन्सोनेंट वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि ऐसे ही बहुत कर, अब ये कॉलन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। कॉलन भी यहाँ पे लगेगा, कॉलन के बाद फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल्स के साथ लगाना चाहे तो आप एल्स के साथ लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है। एल्स को स्मॉल कर दूंगा मैं, और करना भी आप लोगों क्योंकि यहाँ तो एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया था, कैपिटल हो गया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इफ कंडीशन और लगाया, फिर कंडीशन थ्री, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये आपका रहेगा सिंटेक्स, ठीक है। तो ये हमने किसका बताया अभी आपको, लॉजिकल और का बता दिया। अब अगर लॉजिकल एंड की बात करें तो बिल्कुल सेम रहता है, बस वहां पर क्या कर देंगे हम लोग और की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा एंड आ जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद एंटर करते हैं, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो जो आपका सिंटेक्स रहेगा किसका, एंड का, ठीक है। एंड जो आपका एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, लॉजिकल एंड होता है, तो लॉजिकल एंड का ये रहा आपका, ये रहा आपका लॉजिकल एंड का, बस जहां जहां आपका और है वहां वहां आपको क्या कर देना है, एंड कर देना है, बाकी आपका पूरा सही रहेगा। तो लॉजिकल एंड ये रहा, फिर ये रहा आपका एंड, ठीक है, और इसके बाद आपका ये रहा एंड,
ठीक है। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इस तरह से, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एंड और लॉजिकल ऑटो। 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप सपोर्टेड इन पाइथन। पाइथन कितने तरह के लूप सपोर्ट करता है? तो आपको पता है पाइथन डू व्हाइल लूप सपोर्ट नहीं करता, बाकी फॉर और व्हाइल तो करता है। तो दो तरह के लूप आपको पाइथन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट ऑल द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर लूप के सारे सिंटैक्स हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए, फॉर लूप के वैसे कितने सिंटैक्स होते हैं अगर ये पूछा जाए तो कितने होते हैं? चार सिंटैक्स होते हैं। पहला सिंटैक्स क्या कहता है? फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज। फॉर ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज, ठीक है। और रेंज के अंदर क्या होता है आपका? यहाँ पर नंबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर। और कॉलन बिल्कुल नहीं भूलिएगा लगाना, ठीक है। फॉर कंट्रोल वेरिएबल रेंज, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट। तो पहला तो ये हो गया आपका सिंटेक्स वन, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक आध सिंटेक्स अच्छे से याद कर लीजिए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर ऐसे पहले में क्या होता है आपका, पहले वाले में एक नंबर ले सकते हैं। जब सिंटेक्स टू पर आते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर वाला भी कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम लोग सिंटेक्स टू पर आते हैं। सिंटेक्स टू में क्या हो जाते हैं? नंबर आपके दो हो जाते हैं, यहाँ पर आपका एन वन हो जाएगा और यहाँ पर आपका एन टू हो जाएगा, ठीक है। नंबर दो हो जाएंगे, और जो सिंटेक्स थ्री रहेगा उसमें क्या होता है हमारे? तीन नंबर हो जाते हैं जिसमें हमें जंपिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री और एन वन कॉमा एन टू कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एन थ्री, एन थ्री आ जाएगा। और जो लास्ट रहता है वो किस लिए होता है हमारा? लास्ट वाला सिंटेक्स, वो जो हमारा वर्क करता है, वो हमारा वर्क करता है किसमें? लिस्ट पर या किसी सीक्वेंस, उसमें हमारा रेंज नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है? एनी सीक्वेंस। यहाँ पर आएगा फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन एनी सीक्वेंस। अब एनी सीक्वेंस में आपका क्या हो सकता है? इसमें आपका लिस्ट भी हो सकता है, इसमें आपका टपल भी हो सकता है, और इसमें आपकी स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये हमारा एनी सीक्वेंस वाला रहेगा, वो हमारा चार सिंटेक्स होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंटेक्स सपोर्टेड इन पाइथन लूप, तो कितने तरह के सिंटेक्स सपोर्ट करता है? वो हमारा चार तरह के सिंटेक्स सपोर्ट करता है। चारों सिंटेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। तो जंपिंग स्टेटमेंट कितने होते हैं पाइथन में? दो तरह के जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। अभी इसमें कुछ पूछा नहीं है उसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, राइट द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट बाय यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे ये वन क्वेश्चन बन गया है, एक्चुअली नीचे आ गया था इस वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, ओके, क्योंकि ये इंडेंटेशन इसका वो हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, ओके, और ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारा, ये वाला 29 है, और ये हमारा 30, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आज हम लोग अपने यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बाकी लगातार क्लासें मिलेंगी, टेंशन लेने की आप लोग जरूरत नहीं है, सारी क्लासें आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको? कितने तरह के जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं अपने पाइथन में? दो तरह के जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। नेम पूछ लिया जाए तो नेम आपको क्या बताना है? ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट, राइट द सिंटेक्स लिखा हुआ है, राइट द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के द्वारा ब्रेक स्टेटमेंट का क्या करना है? सिंटेक्स लिखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। व्हाइल के लिखे सबसे पहले क्या करेंगे? इनिशियलाइजेशन, हमने यहाँ पे लिखा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपका क्या आएगा? व्हाइल आएगा, फिर इसके बाद ये कैपिटल मत करने देना, ठीक है, स्मॉल ही करना आप लोग। फिर इसके बाद क्या होता है? कंडीशन होता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन। इसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग यहाँ पे लगाए इफ। इफ के बाद क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन होगी, इफ कंडीशन। कंडीशन के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया व्हाइल लूप के द्वारा हमें लिखना था, ब्रेक लगाएंगे। और ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे? स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे करना चाहे वैसा कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपडेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद देखा जाए तो स्टेटमेंट आएगा। और अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हैं कि भाई ब्रेक क्यों हुआ है हमें ये भी बताना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट। इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आप लोग ऊपर, आप लोग कैसे, जैसे हमने एक स्टेटमेंट यहाँ डाल दिया, और अगर हम लोग चाहें तो एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि लूप खत्म होने के बाद भी अगर कोई आप स्टेटमेंट देना चाहें तो इसके बाद भी आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देना चाहें तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का ब्रेक स्टेटमेंट का यूजिंग व्हाइल लूप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड, ठीक है। इफ के अंदर इफ होता है वो क्या होता है हमारा? नेस्टेड इफ कहलाता है। तो यहां पर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन रहेगी। अब
ये रहा आपके 30 क्वेश्चंस। अब बाकी अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस इसके देखेंगे, अभी हम लोग सिंटैक्स वगैरह भी देखेंगे इसके, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। जो वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ये रहे आप लोगों के आज के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये जैसा मैंने अभी आप लोगों को ये कंप्लीट सॉल्व करा है एज इट इज, मैं ऐसे ही आप लोगों को सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों का लर्न भी हो जाए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को 9 बजे क्लास मिलने वाली है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि 9 बजे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की IoT की क्लास आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अपन लोग रात के 9 बजे, और ये बाय बाय की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट बाय बाय की क्लास आपको कब मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं।